गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन डिराइव की थी, तो आज हम उसी के आगे का पार्ट करेंगे। हम प्लेन वॉल के लिए हीट कंडक्शन इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो हम एक प्लेन वॉल कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ एल है, फेस वन, जो कि फेस वन पर जो टेम्परेचर है वो टी वन है, और जो फेस टू है उस पर टेम्परेचर हमारा टी टू है, थर्मल कंडक्टिविटी हमारी के है। इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वॉल। अब जब हम हीट कंडक्शन इक्वेशन डिराइव करनी है प्लेन वॉल की, तो उसके लिए हम कुछ अजम्पशन लेते हैं। तो वो अजम्पशन क्या लेते हैं कि जो प्लेन वॉल है उसमें हीट का कंडक्शन ओनली वन डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। सेकेंड अजम्पशन हम लेते हैं कि जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो जो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी, और कोई भी हीट जनरेशन नहीं हो रहा है, इंटरनल हीट जनरेशन इज़ ज़ीरो, तो क्यू जी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब हमने जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन डिराइव की थी वो हमारी क्या थी, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू वन अपॉन अल्फा डेल टी बाई डेल टाउ। अब हमने जो फर्स्ट अजम्पशन लिया था वो हमारा क्या था कि जो हीट फ्लो है वो ओनली वन डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमने माना एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो y और z डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही क्यू जी जीरो, और जो स्टेडी स्टेट माना था हमने, तो ये वाली टर्म जो है वन अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल्टा, और ये भी हमारी जीरो हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, फाइनली डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी वन कॉन्स्टेंट। अगेन इंटीग्रेट करने पर हमारा टेम्परेचर और लेंथ के बीच में रिलेशन आता है, टी इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। तो बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जहाँ से हमारी वॉल स्टार्ट हो रही है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर टेम्परेचर क्या था हमारा, फेस वन पर टी वन। ऐसे एक्स इक्वल टू एल पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी टू। तो ये बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन वन में पुट करने पर क्या आता है हमारा, सी वन और सी टू की वैल्यू आ जाती है। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा टेम्परेचर का वो क्या होगा, टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन अपॉन एल इंटू एक्स प्लस टी वन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पे, कि प्लेन वॉल के लिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है, लीनियर, क्योंकि ये क्या किससे सिमिलर है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि जो प्लेन वॉल के लिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो आंसर क्या होगा, लीनियर फंक्शन होता है। अब हीट फ्लो कैलकुलेट करना है हमको कि प्लेन वॉल से जो हीट कंडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो क्यू इक्वल टू फॉरियर फ्लो से हम कैलकुलेट करेंगे, क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी हमारा क्या था, एक्स का फंक्शन था, तो यहाँ से रखा टी की वैल्यू इस इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन आई थी उससे हम डी टी बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करने पर टी टू माइनस टी वन अपॉन एल। इसको जब हम फोरियर इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा क्यू क्या आता है, माइनस के ए टी टू माइनस टी वन अपॉन एल। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, क्यू बराबर टी वन माइनस टी टू अपॉन एल अपॉन के ए। ठीक है, टी वन माइनस टी टू हमारा क्या है, डेल्टा टी, जो कि हमारा क्या है, ड्राइविंग फोर्स, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन कब होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो टी वन माइनस टी टू हो गया हमारा ड्राइविंग फोर्स। फिर इसको हमने जो रीअरेंज करके लिखा था नीचे जो टर्म है एल अपॉन के, ये क्या हो गया, हीट रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। अगर एल बाई के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हीट कंडक्शन कम होगा, और अगर डेल्टा टी का मान ज़्यादा होगा तो हीट कंडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि प्लेन वॉल के लिए थर्मल रेजिस्टेंस का मान, उसमें कुछ ऑप्शन दे देगा एल बाई के, और जो स्फेरिकल के लिए होता है, सिलेंड्रिकल के होता है, तो प्लेन वॉल के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, एल बाई के। अब हम कैलकुलेट करेंगे हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट वॉल। उसमें हमने क्या लिया था, एक होमोजीनियस मटेरियल की वॉल ली थी कि जिसमें सिर्फ एक ही मटेरियल था। अब इसमें क्या होगा कि हम अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी की तीन लेयर्स लेंगे या तीन स्लैब लेंगे, जिसकी क्या है, प्लेन वॉल जो ए है
उसकी कंडक्टिविटी क्या है, के ए, लेंथ है एल ए, ऐसे ही हमने ए बी सी तीन अलग अलग मटेरियल लिए, उसमें हमको क्या करना है, हीट कंडक्शन कैलकुलेट करना है। तो जब हम कंपोजिट वॉल के लिए हीट कंडक्शन निकालते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि जो टेम्परेचर है उसका जो फ्लो है, टेम्परेचर वेरिएशन है, वो कंटिन्यूस है, और जो प्लेन वॉल है ये क्या है, आपस में कांटेक्ट, परफेक्ट कांटेक्ट है इन तीनों स्लैब्स में, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, सरफेस रफ होती है और जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो भी कंटिन्यूस नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इसमें प्लेन जो कंपोजिट वॉल है इसमें क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसमिट जो होती है वो सेम होती है तीनों स्लैब, क्योंकि हमने क्या माना है, टेम्परेचर वेरिएशन कंटिन्यूस माना है। तो क्यू का मान क्या होगा, ए स्लैब के लिए क्या हो जाएगा, वही फॉरियर लॉ लगाएंगे हम, के डेल टी अपॉन एल डी टी अपॉन डी एक्स, तो वहाँ से हमारे पास इसका मान आ जाएगा। ऐसे ही हम तीनों स्लैब के लिए क्यू का मान कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको रीअरेंज करने पर हमारे पास तीन इक्वेशन आएगी, क्या आएगी, क्यू इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल ए, जब इससे निकालेंगे तो टी वन माइनस टी टू भी आ जाएगा हमारा, क्यू इंटू एल ए अपॉन के ए इंटू ए। ऐसे ही हमने टी टू माइनस टी थ्री और टी थ्री माइनस टी फोर का की वैल्यू निकाल ली। इन तीनों इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कुछ इस टाइप की इक्वेशन आती है, टी वन माइनस टी फोर इक्वल टू क्यू, और ये हमारा आ गया एल अपॉन के ए वाली टर्म तीनों स्लैब्स के लिए। तो इसमें कंपोजिट वॉल के लिए जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आता है, क्यू इक्वल टू टी वन माइनस टी फोर अपॉन एल ए के ए इंटू ए, ऐसे मतलब ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो एल ए के ए इंटू ए ये हमारा क्या हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्लैब ए। ऐसे ही स्लैब बी के लिए हो जाएगा रेजिस्टेंस, इन तीनों का रेजिस्टेंस हो गया। नाउ इसको हम लिख सकते हैं टी वन माइनस टी एन प्लस वन अपॉन समेशन ऑफ एल बाई के ए। समेशन ऑफ एल बाई के ए मतलब जो अलग अलग जितनी हमारी नंबर ऑफ लेयर्स होगी उनका हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब जो हमने स्लैब ली थी जो अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी की, वो हमने क्या ली थी, सिंपल अलग अलग स्लैब ली, उनको सीरीज में जोड़ दिया। बट इसकी जगह क्या होगा कि जैसे हमने एक स्लैब ली ए, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी थी हमारी के ए, ऐसे ही बी जो स्लैब है उसमें क्या है, दो अलग अलग मटेरियल है जिनकी दोनों की अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होगी। तो जो रेजिस्टेंस हो, अब ये क्या है, ये स्लैब के थ्री, के बी और के सी ये क्या है, पैरेलल में है, तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस अलग होगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब ए स्लैब का हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एल एल बाई के ए। ऐसे ही डी का भी सिंपल हो जाएगा, एल डी अपॉन के डी इंटू ए। लेकिन जब हम बीच वाली स्लैब का थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है हमारा पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें निकालना है इन दोनों का इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर वन अपॉन आर जो बी स्लैब का रेजिस्टेंस है वो, प्लस वन अपॉन जो सी स्लैब का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, उसको क्यू में पुट करने पर हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो किस टाइप का आएगा, डेल्टा टी अपॉन ए स्लैब का थर्मल रेजिस्टेंस प्लस जो बी और सी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था वो, प्लस डी लेयर का रेजिस्टेंस। तो इस टाइप से हम जो मल्टी लेयर्स होती है उनके लिए हम क्यू का मान, हीट कंडक्शन का मान कैलकुलेट कर सकते हैं।